श्रावणी मेले में लगने लगी कावड़ियों की भीड़। भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़िया उठा रहे हैं जल। इन दिनों सावन का पावन माह चल रहा है और सावन के पहली सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आज सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाले गंगा तट पर गंगा स्नान कर कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरकर झारखंड स्थित बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त रवाना हुए। इस दौरान पूरा कच्ची कांवड़िया पथ एक और जहाँ केसरी मय हो गया, वहीं पूरा इलाका बोलबम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। शिव भक्त जहां मौसम कांवड़िया श्रद्धालुओं के चलने के अनुकूल होने के कारण भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं कांवड़िया श्रद्धालुओं का कहना है कि भोलेनाथ औघड़दानी हैं और उनको अपने भक्तों की सभी जानकारी है। वो भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं, इसलिए वो सभी लगातार भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से आए हैं, पैदल यात्रा पर निकले। जी जी जी, पैदल यात्रा पर। कितने दिनों में पहुंचेंगे? तीसरे दिन पहुंचेंगे। इसके पहले भी गए हैं? जी, तीन बार जा चुके हैं, तीसरी बार ये है। भोले बाबा पर कितनी आस्था है? 100 में 200%। भोले बाबा सबके सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। क्या मांगिया क्या बाबा से? अपनी जिंदगी के आगे तरक्की के लिए मांगेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अगम प्रताप सिंह। हम 16 से जा रहे हैं, 2016 से। भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं जी। भोले बाबा मन्नतें पूरी करते हैं? जी पूरी करते हैं। कितना भोले बाबा पर आस्था है? आस्था तो पूरा है, समझिए कि 100% पूरा। कैसा है मौसम? सुहाना है, बढ़िया है मौसम, सुहाना है। कैसे यात्रा कैसे कटेगी? आरामदायक कटेगी, आराम से कटेंगे। कष्ट भी होगा थोड़ा बहुत, बाबा पार करेंगे। जी जी, परेशानी भी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 105 किलोमीटर कैसे जाएंगे? भूल के जाएंगे। भोलेनाथ पर विश्वास है? फुल विश्वास है। बोल बम, बोल बम। बोल बम। बोल बम।